फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ये वेब पेज में फॉर्म क्रिएट करना। ओके, पिछली वीडियो में हमने ये वेब पेज में इमेज क्रिएट किया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसे ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे हमारे मेन फॉर्म में हमारा फॉर्म ये इमेज की राइट साइड है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये फॉर्म इमेज की राइट साइड लाने के लिए फ्लोट यूज़ करूँगा। ओके, तो उसके लिए हम फॉर्म टैग सिलेक्ट करेंगे और फ्लोट राइट एंटर करेंगे। ओके, अब आप जब भी फ्लोट यूज़ करो तो यहाँ पे फ्लोट क्लियर करना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्लोट क्लियर करता हूँ, फॉर्म एंटर करूँगा और बिफोर एंटर करूँगा, कंटेंट एम्प्टी स्ट्रिंग डिस्प्ले ब्लॉक क्लियर बोथ। तो यहाँ पे मैं उसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा फॉर्म राइट साइड आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे हमारे मेन फॉर्म में उस फॉर्म की विथ ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसकी विथ ज़्यादा करता हूँ। तो यहाँ पे हम फॉर्म की विथ ज़्यादा करेंगे, उसके लिए हम फॉर्म टैक्स सिलेक्ट करेंगे और उसमें विथ 90% करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारी फॉर्म की विड्थ 90% आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पे हमारे मेम फॉर्म में ये बॉक्स है वो इस नेम के नीचे, ईमेल के नीचे, कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे, ओके, और ये फॉर्म में हमारा बॉक्स इस नेम के सामने है, ओके। तो हम उसको नीचे लाने के लिए यहाँ पे हमारे कोडिंग में लेबल के पीछे BR टैग एंटर करेंगे, 1 BR टैग, ओके। जितने लेबल है उसके पीछे हम BR टैग एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबके पीछे BR टैग एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा बॉक्स नीचे आ चुका है, ओके। अब यहाँ पे हमारे मेम फॉर्म में इस बॉक्स की साइज़ ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे हम बॉक्स की साइज़ ज़्यादा करने के लिए इनपुट टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे बॉक्स की विड्थ में 85% कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारी बॉक्स की विड्थ ज़्यादा हो चुकी है, ओके। तो यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ ज़्यादा नहीं हुई, ओके। तो यहाँ पे हम उसके लिए टेक्स्ट्रा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसके भी विड्थ 85% कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बॉक्स की पेन विड्थ ज़्यादा हो चुकी है, ओके। अब यहाँ पे हमारे मेन फॉर्म में उस नेम और इस बॉक्स के बीच में स्पेस है, ओके। यहाँ पर ईमेल और इस बॉक्स के बीच में स्पेस है, ओके। तो यहाँ पे हम स्पेस लाने के लिए बॉक्स को मार्जिन देंगे, ओके। तो यहाँ पे हम इनपुट में मार्जिन टॉप और बॉटम 0.3 रैम और राइट और लेफ्ट 0, ओके। तो यहाँ पे हमारी स्पेस आ चुकी है, ओके। तो यहाँ पे मैं स्पेस फाई कर देता, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे नेम और बॉक्स के बीच में स्पेस आ चुकी है, ओके। अब यहाँ पे हमारा नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, सिलेक्ट और ईयर्स, इनपुट ईयर, अबाउट का कलर रेड है और उसका फॉन्ट वेट भी ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट का कलर रेड करने के लिए लेबल टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कलर में रेड एंटर करूँगा और यहाँ पे फॉन्ट का वेट में ज़्यादा करूँगा। यहाँ पे मैं फॉन्ट का वेट 700 एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा फॉन्ट का कलर रेड हो चुका है और फॉन्ट का वेट भी ज़्यादा हो चुका है, ओके। अब यहाँ पे हमारे मेम फॉर्म में इस नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर के पीछे स्टार है, ओके। तो यहाँ पे हम स्टार एंटर करने के लिए दो तरीके, ओके। आप सिंपल नेम, ईमेल के पीछे भी स्टार एंटर कर सकते हो या यहाँ पे आप लेबल टैग को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे नेम और ईमेल के पीछे स्टार एंटर हो चुका है, ओके। यहाँ पे हमारे मेम फॉर्म में उस बॉक्स का बॉर्डर ब्लैक है, ओके। तो यहाँ पे हम बॉक्स का बॉर्डर ब्लैक करने के लिए इनपुट टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक एंटर करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं ग्रे ब्लैक कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमारी बॉक्स का बॉर्डर का कलर भी ब्लैक हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा बटन का विड्थ कम है, ओके, और इस वाले फॉर्म में हमारा बटन का विड्थ ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे हम बटन पे काम करने के लिए यहाँ पे हम इनपुट टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सभी इनपुट टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके। तो हम सिर्फ बटन को सिलेक्ट करने के लिए क्लास एंटर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं क्लास रख लेता हूँ BTN, ओके। तो यहाँ पे मैं क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट उसके बाद क्लास नेम एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं बटन की विड्थ
30% कर देता। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारी बटन की विड्थ 30% हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं बटन को बीच में लाने के लिए मार्जिन एंटर करूँगा, टॉप और बॉटम 0, राइट और लेफ्ट 2 रहे। ओके, तो यहाँ पे मैं मार्जिन ज़्यादा दूंगा, तो यहाँ पे मार्जिन 10 करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे हमारा बटन बीच में आ चुका है। यहाँ पे हम मार्जिन इस बटन के बाहर स्पेस एंटर करने के लिए उपयोग करते। ओके, अब यहाँ पे हम इस बटन का बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और फॉन्ट का कलर वाइट है। ओके, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंटर करेंगे और फॉन्ट का कलर में वाइट एंटर करेंगे। ओके, सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज के लिए। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आप देख रहे हो ये हमारा मेन फॉर्म और ये हमें अभी क्रिएट किया था वो फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे मैं उसकी बॉर्डर हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर कमेंट कर दूंगा, कमेंट करने के लिए कंट्रोल और स्लैश। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पूरी तरह से पसंद आ गया होगा और ये वेब पेज कैसे क्रिएट करते और उसमें इमेज और फॉर्म कैसे क्रिएट करते वो आपको आ गया होगा। तो मैंने ये वीडियो दो बार बनाई है क्योंकि मैं पहले वाले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा न पाया था। ओके, तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।